नमस्कार, टुडेज एयरलाइंस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ रम सिद्दीकी। तो टुडेज एयरलाइन में बात करेंगे तमाम उन खबरों के ऊपर, चर्चा करेंगे जो अखबारों में दी हुई है। तो इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से गीत दीक्षित जी, हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ बैठे हैं, और साथ में ग्वालियर चंबल संभाग की सुर्खियों के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर केशव पांडे जी है, और उसके अलावा हमारे साथ बुंदेलखंड की सुर्खियों के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ रविंद्र व्यास जी जुड़े हैं। आप तीनों पैनल का सबसे पहले तो बहुत स्वागत है डीएनए न्यूज पर। ये दीक्षित जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। पहली खबर जानेंगे जस्टिस, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के नए चीफ जस्टिस होंगे उसके ऊपर जिक्र करेंगे, इस खबर को किस तरीके से तरजीह दी गई है, और बाकी खबरों की तरफ रुख कर। देखिए, लगभग सभी अखबारों में खबर को फ्रंट पेज पे दिया गया है। कल जो है सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम में जो है बैठक हुई, बैठक में जो है 8 जजों को जो है प्रमोट करते हुए चीफ जस्टिस बनाने को लेकर सिफारिश की गई। साथ ही जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक को जो है हिमाचल भेजने के को लेकर चर्चा हुई। साथ ही जो है रवि मलिमथ को जो है चीफ जस्टिस बनाए जाने की सिफारिश की गई। तो अगर इसको देखा जाए, इस खबर को, तो खबर में ये बात साफ तौर पर है कि लगभग 25 जजों के तबादलों की बात की गई है, और ऐसे में ये जो है सुप्रीम कोर्ट जो है केंद्र सरकार को सिफारिश भेजेगा और नामों की सूची भेजेगा, उसके बाद जो आदेश जारी हो जाएंगे। ये खबर बड़ी प्रमुखता से है। लेकिन उससे बड़ी खबर अगर मैं आपको बताऊंगी रम, तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को पूरे देश में उत्सवी माहौल में मनाया गया। सबसे बड़ी बात है कि कल महावैक्सीनेशन अभियान का डोज था, उसको लेकर जो है 2 करोड़ से अधिक के डोज लगे हैं। मतलब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है कि एक दिन में 2 करोड़ से ज्यादा डोज लगे हैं। साथ ही अगर मध्यप्रदेश की बात करूंगा, 26 लाख से ज्यादा के डोज लगाए गए हैं, लेकिन अभी भी 48,000 लोग ऐसे बचे हुए हैं राजधानी में जिनको टीके नहीं लग पाए हैं। ये खबर बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित हुई। साथ ही अगर इसको क्लब करके देखा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मंदिरों में और खासकर अगर कार्यालयों में देखा जाए तो वहां मोदी पर केंद्रित प्रदर्शनियों का प्रदर्शन किया। साथ ही वहां उनके मोदी के कैरेक्टर कृतित्व को जो है प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया। साथ में हनुमान चालीसा और सुंदर कांड के पाठ रखे गए, साथ ही पौधारोपण वृक्षारोपण किए गए तमाम जगहों पर। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी खबर है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी में जो है पौधारोपण किया और वहां पर संबोधन किया। संबोधन में उन्होंने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है एक तरह से त्रिवेणी का संगम बताया है। ये बात सभी अखबारों में बड़ी प्रमुखता से। इसके बाद वीडी शर्मा जबलपुर से जुड़े थे, वहीं उन्होंने कटनी में भी जो है प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इंदौर में थे, और तमाम जितने शिव सरकार के मंत्री हैं और पार्टी के बड़े नेता हैं वो जो है जिलों में मौजूदगी रही उनकी। ये खबर बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित हुई है, साथ ही फोटो के साथ प्रकाशित हुई है। मुख्यमंत्री ने लगाया 56 भोग, ये फोटो के साथ प्रकाशित हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह के फोटो के साथ 56 भोग का थाल लगा हुआ है, वो खबर और फोटो के साथ प्रकाशित हुई है। इसी के बाद अगर बात कर लें, अगर प्रशासनिक खबर की बात कर लें, तो सिर्फ 2 अखबारों में खबर प्रमुखता से रिपोर्ट रखी है। जूनियर आईएएस अफसरों पर भरोसा, 1 दर्जन से ज्यादा कुछ सचिव का काम है, ये खबर बड़ी प्रमुखता से। पीपुल समाचार ने खबर पॉलिटिकल सियासी अंदाज में दी है कि विजय वर्गीय ने राज्यसभा की उम्मीदवारी से किया इनकार, मतलब वो राज्यसभा के दावेदार नहीं होंगे, ये खबर है। लेकिन अगर एक सूचनात्मक खबर के लिहाज से बता दूं, चूंकि भोपाल की डेडलाइन से वो खबरें छपी है सिंगल कॉलम हर अखबार में, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जबलपुर दौरा है, ये इन्फॉर्मेशन के साथ खबर प्रकाशित हुई है। एक सबसे बड़ी खबर है इरम की, बता दूं कि पाकिस्तान के दौरे पर पहुंची इंग्लैंड टीम ने अचानक जो है अपना दौरा रद्द कर दिया, तमाम मैच रद्द कर दिए। 3 टेस्ट और 5 T20 मैच होने थे, उनको लेकर उन्होंने सुरक्षा कारणों से अपना दौरा रद्द कर दिया। इसमें पाकिस्तान जो है लगातार वहां उन पर संवाद की बात करता रहा, लेकिन शीर्षक इसमें बनाया गया है इमरान गुजारिश करते रहे लेकिन नहीं माने इंग्लैंड की पीएम जेसिंदा, ये खबर बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। सबसे बड़ी बात है कि अगर धार्मिक त्योहारों की बात करूंगा एरम, तो गणेश उत्सव का अंतिम चरण चल रहा है, और कल से जो है कल डोल ग्यारस पर विसर्जन की प्रक्रिया शुरू हुई। जिला प्रशासन ने खटलापुरा पर विसर्जन की मनाही कर रखी है, लेकिन 300 से ज्यादा प्रतिमाएं जो है निगम अमले के पास सौंपी गई और उन्होंने विसर्जन की तैयारी करी। इसी के साथ अगर राजधानी की एक खबर का और जिक्र करूंगी, मौसम के मिजाज की खबर है, फोटो के साथ प्रकाशित हुई। कल
केरवा डैम के दो गेट खोले गए पानी लबालब भरने से और लोगों ने सैलानियों ने वहां जाकर मौके का लुफ्त उठाया। ये खबर बड़ी प्रमुखता से दिल्ली से एक खबर का और जिक्र करूंगा, पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं होगा राज्य जीएसटी के दायरे में लाने के खिलाफ है। ये जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के हवाले से एक खबर अखबारों में प्रकाशित हुई है। अफगानिस्तान को लेकर जो है एससीओटी समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है अफगानिस्तान में बिना वार्ता सत्ता बदली, इससे हिंसा सत्ता हासिल करने को बढ़ावा मिल सकता है। ये मोदी का बयान प्रकाशित हुआ है। साथ ही अगर बात करूंगा तो रूस में वोटिंग शुरू, राष्ट्रपति पुतिन की पार्टी ने धांधली में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये खबर बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। साथ ही अगर मैं अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उससे जिक्र करूंगा तो उन्होंने जो है वैक्सीनेशन डोज को लेकर ट्वीट किया है कि सभी को बधाई दी है कि विक्ट्री हुई है और पहला डोज पूरा कर लेने के लिए उन्होंने प्रमोट किया है। ये खबर बड़ी, कल इसी कार्यक्रम के विरोध में जो है युवा कांग्रेस ने इसको बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया है। ये खबर बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। साथ ही अगर बात करूं मैं वर्क फ्रॉम होम कंपनियों में अब कुछ दिनों की बात है कर्मचारियों को ऑफिस बुलाने की खबर को भी बड़ी प्रमुखता से तर्जीता से प्रकाशित किया गया है। साथ ही अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर मिले उपहारों की ई नीलामी होगी, इस खबर को भी बड़ी प्रमुखता से अखबारों में प्रकाशित किया गया है। साथ ही अगर बात करें तो एक खबर का जिक्र है, चूंकि तीन अखबारों में नई दुनिया में है, पत्रिका में है और पीपल्स समाचार में, कि राज्य सरकार एक बार फिर कर्ज लेगी, ये दो कॉलम की खबर प्रकाशित की गई है। चार धाम की यात्रा आज से शुरू की जा रही है, ये सिंगल कॉलम खबर सभी लगभग सभी अखबारों में है और इसको फ्रंट पेज पे जगह दी है। हाई कोर्ट ने जो है इसको रोक हटाने की आदेश दिए थे, उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने और बद्रीनाथ नगर पंचायत प्रशासन ने जो है यात्रा की शुरुआत के लिए पाबंदियों के साथ यात्रा की शुरुआत की तैयारी कर ली है। कैलाश सत्यार्थी जो है उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, ये खबर भी सिंगल कॉलम लगभग सभी अखबारों में प्रकाशित हुई है। इसी किसान प्रदर्शन से पहले अटके वाहन मेगा जाम, ये फोटो के साथ दो अखबारों में खबर प्रकाशित हुई है। इसी के साथ अगर बात करें राजधानी में अगर टीके की बात करेंगे तो हुजूर में दूसरे गोविंदपुरा में पहले डोज के लिए लंबी लगी लाइन है। अब 40,000 लोगों की तलाश चल रही है जिनको डोज लगने हैं। इसके साथ ही इसके एक दो अखबारों में खबर है कि अब डीलर जो है सिलेंडर बुक करवा सकेंगे डीलर कोड के माध्यम से, डीलर भी बदल सकते हैं। ये खबर को बड़ी प्रमुखता से तरजीह मिली है। इसी के साथ अगर मैं बात करूंगा तो जयशंकर ने बयान दिया है कि एलएसी का मुद्दा सुलझाएं, ये खबर भी लगभग सभी अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। एक मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने जो है जांच के आदेश दिए हैं, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से धोखाधड़ी, पेंशन के 200 करोड़ नहीं पहुंचाए खजाने में बनवाली एफडी, इस मामले में उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। और इसी के साथ एक दो खबरों का और जिक्र करूंगा, सूचना आयोग के आदेशों पर कोर्ट के रोक पर आपत्ति लगी है, इस खबर को अब जो है आंगनवाड़ी केंद्रों में होगी पोषण पंचायतें, ये खबर को भी बड़ी प्रमुखता से लगभग सभी अखबारों में सिंगल कॉलम लिया है। ईएफआईआर का ट्रायल रन, 328 मामले दर्ज हुए हैं, ये खबरें कुछ तमाम जो है प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। डॉक्टर केशव पांडे जी, आपकी तरफ रुख करूंगी। जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को एक उत्सव के तौर पर मनाया गया है, पूरे प्रदेश भर की अगर मैं बात करूं तो पूरे देश भर में ही मनाया गया है, लेकिन प्रदेश भर में महावैक्सीनेशन अभियान भी चलाया गया था। साथ में अगर वहीं ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर वासियों ने 91,000 टीके लगवा कर, क्योंकि जो टीके 8 दिनों में लगे थे वो 16 घंटे में पूरे किए गए हैं। मोदी जी के जन्मदिन पर ये बहुत बड़ा अभियान जो चला है महाअभियान टीकाकरण का, इसमें ग्वालियर में जो आपने बताया 91% टीके लगे हैं, शिवपुरी में 90.45% लगे हैं और दतिया इसमें सबसे नंबर वन आया है, 103% टीके वहां लगाए गए हैं। सबसे कम टीके भिंड में 39% ही हुए हैं, लेकिन ग्वालियर में 8 दिन में जितने लगे थे उससे ज्यादा 16 घंटे में लग गए। ये आपकी जो खबर है बिल्कुल सही है और काफी लोगों ने उत्साह दिखाया है और इस उत्साह को दिखाने के बाद प्रदेश और जिले के लोग बड़े खुश हैं। इसमें कोरोना में 4 दिन में केवल 1 संक्रमित आया है एवं 3 एक्टिव केस आज मिले हैं। अंचल में दूसरे दिन रिमझिम की बारिश चल रही है,
24 घंटे में ग्वालियर में 50.13 एमएम पानी आया है, भिंड में 59 एमएम और मुरैना में 56.6 एमएम वर्षा हुई है। नर्सिंग कॉलेजों का जो जांच का मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। इसमें बताया गया है कि हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसमें जो नर्सिंग कॉलेज थे 102 कॉलेज जिनके ऊपर बेड के अस्पताल नहीं थे, पूरे बेडेड अस्पताल नहीं थे, याचिका लगाई गई थी, उसको अवैध मान्यता देने की बात थी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उस जांच को अभी फिलहाल रोक दिया है। नर्सिंग कॉलेज के लोगों को इससे थोड़ी राहत मिली है। एक दहेज प्रताड़ना का मामला और हत्या के मामले में विधायक सबलगढ़ कांग्रेस के जो वैद्यनाथ सिंह कुशवाहा हैं उनकी पत्नी को कोर्ट ने राहत दी है, अब उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। ये एक खबर प्रमुख रूप से छपी है। नशे के कारोबार को लेकर पुलिस ने धरपकड़ जारी रखी है। आज तीसरे दिन भी 8 घंटे में 5 जगह से 6 तस्कर पकड़े गए हैं और 5.3 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। मोदी जी के जन्मदिन पर टीकाकरण के अलावा पौधरोपण भी ग्वालियर में किया गया है और विकास कार्यों की प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। कांग्रेस ने पकौड़े तलकर मनाया जन्मदिवस। कांग्रेस ने कहा है कि इनके कार्यकर्ताओं पर लगे केस अगर वापस नहीं लिए गए तो 22 तारीख को ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो रैली कर रहे हैं उन पर भी केस किए जाए। अंचल के 7 जिलों में मिलेगी फ्री उज्ज्वला गैस योजना, आज इस खबर को भी प्रमुखता से छापा गया है। इसमें बताया गया है कि 13% लोगों को पहले ही ये उज्ज्वला गैस के कनेक्शन मिल चुके हैं, अब 5301 आवेदन और आए। फूड कंट्रोलर चंद्रवान सिंह यादव के अनुसार अब जांच करके 1400 लोगों को नए कनेक्शन दिलवाए जाएंगे। एक लव जिहाद का मामला भी प्रमुख रूप से आज अखबारों में 8 कॉलम में छपा है। इसमें एक नाम बदलकर सोशल मीडिया पर दोस्ती करके एक लड़की को फंसाया गया और ग्वालियर से अगवा करके उसे बदायूं ले गए। युवती किसी तरह से वहां से भाग के ग्वालियर आई और उसने केस रजिस्टर्ड कराया है, आरोपी को उसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा 18 तारीख से पहले साथ साथ मरेंगे, ऐसी बात एक युवक युवती ने की थी, उन्होंने शादी कर ली थी और सोपुर में आज उनका प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। दोनों पेड़ से लटके हुए मिले हैं और दोनों ने आत्महत्या अपनी कर ली है। मुरैना के 7107 अपात्र किसानों को दी गई सम्मान राशि निधि वसूली जाएगी, ये 5.87 करोड़ रुपए की वसूली है। इसमें कई किसान ऐसे हैं जो इनकम टैक्स पे ही है और नौकरी पेशा है जिनको इसका अधिकार बनता नहीं है, उन्होंने भी ये सम्मान निधि ले ली है। ये ज्ञानेश्वर पाटिल भू अभिलेख आयुक्त ने ये बताया है कि इनसे ये वसूली करने की कार्रवाई की जाएगी। ये प्रमुख खबरें एरम जी आज ग्वालियर संभल संवाद की बोले आपको। बिल्कुल रविन्द्र व्यास जी, आपकी तरफ रुख करेंगे। जिस तरीके से अगर मैं सागर की बात करूं तो सागर से एक दर्दनाक घटना यहां पर सामने आई है, बेटी के प्रेमी को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। इस खबर को किस तरीके से जगह दी गई है और बाकी खबरों की तरफ रुख करेंगे। इस खबर को लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से छापा है कि सागर में जिंदा जलाए गए प्रेमी को। भास्कर ने लिखा है कि प्रेमी के आखिरी शब्द मुझे बांधकर पीटा, फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, परिजनों ने भीमा सागर रोड पर जाम लगाया, बोले आरोपियों का मकान गिराया जाए। गुरुवार को दरअसल ये युवक राहुल, जिसका नाम है, सागर से सेमरा लाड़िया गया था जहां उसकी प्रेमिका ने फोन कर बुलाया था। वहां पर उसके परिवार युवती के परिजनों ने उसको जिंदा जला दिया। पुलिस ने युवती के ताऊ पिता समेत 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, 3 आरोपियों की हिरासत में ले लिया है, 1 की अभी तलाश है। इसके अलावा पीएम मोदी के जन्मदिवस को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। छतरपुर, दमोह और निगाड़ी में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर सभी जिलों में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ और 71 पौधों का वृक्षारोपण भी किया गया है। दमोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस पर 71 पौधे लगाने के साथ 71 मंदिरों की सफाई भी की गई है और इन सब जगह हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया और साथ ही 71 भूतपूर्व सैनिक एवं प्रगतिशील किसानों का सम्मान किया गया। 80 दिव्यांगों को उपकरण वितरित किए गए। वहीं
इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा, मोदी सरकार में मांगना मना है, आप सूचित कर सकते हैं, आपको अधिकार अवश्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि आप सभी याचक नहीं अपितु दाता हैं, आपने अपने मत देकर हमें सेवा करने का मौका दिया है, इसलिए हमसे बड़े आप हैं और जन सेवा करने का हम सभी का दायित्व है जिसको हम निभा रहे हैं। मंत्री ने बेलाताल पहुंचकर करीब सवा घंटे श्रमदान भी किया। एक अजब नजारा इस मौके पर देखने को मिला, पार्क में पौधारोपण के मौके पर मंत्री जी के साथ उनकी पत्नी और बेटी थी, जिनकी चप्पलें जो कीचड़ लग गया था, जिस पर पटेल के समर्थक ने उनकी चप्पलें ली और स्वयं कुएं से पानी निकालकर साफ की। वहीं सागर में प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित प्रदर्शनी का भाजपा कार्यालय में उद्घाटन होगा, प्रदर्शनी को 5 दिन तक लोग देख सकेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने संभाग के सभी जिलों में मोदी का जन्म दिवस बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। डेंगू को लेकर खबर चिंताजनक है, दमोह में अब तक 16 डेंगू के मरीज मिले हैं और लगातार बढ़ रहे हैं, मलेरिया के मरीज भी बढ़ रहे हैं। मच्छर निरोधक दवा का नहीं हो रहा छिड़काव, मलेरिया विभाग की व्यवस्थाएं हैं चौपट। सागर में डेंगू के 6 नए मरीज मिले हैं, एक माह में पिछले साल का रिकॉर्ड टूटा, अब जिले में 45 केस हैं। एक सागर झील के चारों तरफ बनने वाला पथ पाथवे अब 3 हिस्सों में बटेगा, कलेक्टर ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। एक चिंताजनक खबर एजुकेशन को लेकर है, शिक्षा विभाग की हमारा घर हमारा विद्यालय योजना में व्हाट्सएप आधारित मूल्यांकन में सागर का प्रदेश में 202वां स्थान और मालथौन का 320वें नंबर पर है। खोज कर लगाए गए टीके, छतरपुर जिले में एक दिन में 40,000 लोगों का वैक्सीनेशन डोज लिया है, टीकमगढ़ में 20,000 से ज्यादा लोगों ने टीकाकरण करवाया है। वहीं दमोह में 60,000 का लक्ष्य रखा था लेकिन 23,500 लोगों ने वैक्सीनेशन करवाने पहुंचे। सपाक्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने छतरपुर में पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश में महंगाई बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ गया है। छतरपुर में ही मिर्ची बाबा ने एक पत्रकार वार्ता में शिवराज सरकार पर निशाना साधा कि गुजरात में सरकार बदलने से शिवराज सिंह में डर, बीजेपी के अंदर खाने में सभी दुखी हैं, इसलिए शिवराज सिंह लगातार ट्रांसफर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंधिया को अगर बीजेपी अच्छा मानती है तो उनका राज तिलक करना चाहिए। दमोह में परिवहन मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा, गोविंद राजपूत बोले खराब सड़कों का विरोध कर रहे कांग्रेसी, दिग्विजय सिंह कार्यकाल की सड़कें याद कर लें, ये परेशान ना हो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी रविंद्र व्यास जी, यहाँ आपको मैं रोकना चाहूंगी, समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आपका तीनों का हमारे साथ चर्चा में जोड़ने के लिए। तो टुडेज हेडलाइन में अभी हमने जाना तमाम उन सुर्खियों को जो अखबारों में दी हुई है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे तमाम और सुर्खियों के साथ।